हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, अब देखो इसका यूज करना है हमें। अब ये बनाना है मुझे x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है 103 और 104। क्या मैं इसको ले सकता हूँ 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4, है ना? 100 प्लस 3 100 प्लस 4, तो बन गया मेरे पास x प्लस ए और x प्लस बी। तो फॉर्मूला ये पुट कर दो, 100 का स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 100 प्लस ए बी 3 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 प्लस 437 700 प्लस 12। आप इसको ऐड करना है, कितना मिलेगा? 10,712, ये आपका आंसर। ठीक है, 10,712 ये आपका आंसर। आगे है 5.1 5.2, इसका ले सकते हैं मैं 5.5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2। ठीक है, तो a प्लस बी ए x प्लस ए और x प्लस बी, ये फार्मूला बनेगा वही x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 0.1 0.2 0.3 हो गया, ये 0.3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो गया मेरे पास 1.5 और प्लस में 0.02, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 26.52, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे 9.7 मल्टीप्लाई 9.8, इसको ले सकता हूँ मैं 9 प्लस 0.7 9.8। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर सबसे पहले 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 0.7 0.7 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 0.7 और मल्टीप्लाई करनी 0.8 की 9 का स्क्वायर क्या जगह 81 प्लस 0.7 प्लस 0.8, कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 9 प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी मेरे पास 0.56। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, आप कर लोगे। इसकी मल्टीप्लाई करना सबसे पहले 9 के साथ, फिर 81 और 50.656 क्या कर लोगे ऐड। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, एक मिनट, ये मैंने दो बार लिख दिया क्या, एक मिनट। ये आपका फोर्थ पार्ट था और ये आपका क्या है थर्ड पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे 100 प्लस 3 और 100 माइनस 2। तो इसको ले सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको ले सकता हूँ मैं 100 माइनस 2। ठीक है, अब देखो x तो क्या है मेरे पास सेम है, पर दोनों में क्या है प्लस है, दोनों में क्या है प्लस है, तो मैं प्लस की जगह क्या कर दूँ यहाँ पे माइनस टू है ना, इसको ले सकता हूँ मैं 100 प्लस 3 100 प्लस माइनस 2। आई बस में, ठीक है, माइनस टू को ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100 प्लस 3 और 100 प्लस माइनस 2। अब लगा दो फार्मूला, 100 का स्क्वायर सबसे पहले क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 3 माइनस के 0.2 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किसके साथ 100 के साथ प्लस, और क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो गया ना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करनी है 3 की और माइनस 2 की। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, 3 में से 2 गया 1 की मल्टीप्लाई 100 के साथ 100, 3 2 6 माइनस के 6 कितना आंसर आ जाएगा
इसमें 10,100 हो जाएगा, फिर माइनस के 6 करना है तो 10,000 क्या हो जाएगा मेरे पास 094, ये आपका आंसर। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8।